हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 4 जुलाई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 3.96% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 5614.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेसन, मतलब मंडे के लिए क्या आपका सपोर्ट जोन और रेसन जोन जो बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मीडियम साइज की बनी है, दोनों के साइड में हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की, 47-48 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना, RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो यहाँ पे हमें जरूर जो है एक नेगेटिव साइड में जाते हुए देखने मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे जो है मैं आपको जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि यहाँ पे जो भी अपसाइड मूवमेंट है वो सारी की सारी टेम्प्रेरी होने वाली है। यहाँ पे हमें जो है जितना हो सके उतना शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। करंटली सबसे पहले 55-16 के आसपास जो स्टॉक गिरते हुए देखने मिल सकता है, अगर उसको यहाँ पे क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में इजिली डाउनसाइड 5400 के आसपास जो देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जरूर स्टॉक में कॉशियसली काम करें जब तक यहाँ पे स्टॉक में जो हमारे 50 MA के ऊपर दो दिन तक सस्टेन ना करें, मतलब 5900 के ऊपर दो दिन तक जो है यहाँ पे क्लोज होने के बाद दो दिन तक सस्टेन ना करें, तब तक यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग के लिए कोई पोजिशन बनाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है फिलहाल ट्रेंड नेगेटिव है। नेगेटिव साइड में मतलब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जितनी आप ढूंढोगे उतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, कल का मतलब यहाँ पे हमें मंडे के दिन स्टॉक में क्या देखना है उस बारे में हम बात करेंगे। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे मार्क्ड है, तो एज सच हमें कोई मार्किंग्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो 5617 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 5604 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 5647 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, मतलब मंडे के लिए, तो मंडे का मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 5571 का, उसके बाद क्या आता है 5538 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 5691 का, उसके बाद क्या आता है 5714 का।
तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेसिन यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड, मतलब मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का है, यहाँ पे चांसेस है कि गैप अप हमें ओपनिंग जो देखने मिल सकती है, ओवरऑल 5571 से लेके 5604 के रेंज में जो हमें क्लोजिंग जरूर जो देखने मिल सकती है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग 5691 तक भी जो है हमें जाते हुए देखने मिल सकता है, फिर वहाँ से हमें नीचे के साइड में जो स्टॉक आते हुए देखने मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा हमें वॉल्यूम के जो है मंडे के दिन ध्यान देना होगा इस स्टॉक में, खास करके कि यहाँ पे सेलिंग के टाइम पे वॉल्यूम कितना जो है हमारे 15 मिनट्स और 1 आर के रेंज में जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो चीज़ का हमें जरूर जो है देखना है, फिर उसके बेसिस पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाकी यहाँ पे जरूर 5691 के आसपास हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को देखने मिलेगी, अगर वहाँ पे आपको जो अच्छा वॉल्यूम देखने मिला 15 मिनट या 5 मिनट के रेंज में, तो जरूर जो आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए जो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे जो है वो देख सकते हैं। बाकी इस रेंज में मेरा ओपन जो है बन रहा है यहाँ पे क्लोजिंग का, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा हमें प्री ओपन मार्केट और वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ पे जरूर मंडे के दिन जो है ट्रेड लेना है शॉर्टिंग के लिए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।